सो हे गाइस, आई एम कौशल, वेलकम टू लेट्स सिंग अनदर वे। आज की वीडियो हम करेंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस का तुम्हारा एक्ट 3 सीन 1। तो तुम में से काफी लोगों ने मुझे कहा था कि मतलब जो थोड़ा 10th का भी डालो, टर्म 1 आ रही है फटाफट। तो आई होप सो के तुम्हारे जो अभी बोर्ड के पेपर आ रहे टर्म 1 के, उसमें जो इंग्लिश 2 का एग्जाम है उससे पहले मैं ये जो एक्ट 3 है ये खत्म करा दूं, ठीक है। ये पहली वीडियो बना रहा हूं मैं, एंड 4 वीडियोस और हैं। आई विल ट्राई टू अपलोड देम बिफोर द एग्जाम, मतलब एटलीस्ट 7-8 घंटे पहले तक खत्म कर दूंगा सारी वीडियोस यूट्यूब पे। सो अब ये सीन कहाँ पे टेक प्लेस कहाँ करता है, ये वेनिस में करता है, स्ट्रीट में। अब ये जो एक्ट है तुम्हारा, ना ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा बड़ा है, बट इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। मतलब अगर पूरी मर्चेंट ऑफ वेनिस भी होना तो उसमें इस सीन की बहुत इंपॉर्टेंस है, सॉरी इस एक्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है। और एक चौथा एक्ट जिसमें पूरा मतलब ट्रायल वगैरह चल रहा है, वो तुम्हारा अभी नहीं है, वो तुम्हारा अगली टर्म में आएगा, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। अभी हम पढ़ते हैं तुम्हारा मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय ज़ेवियर पिंटो। मतलब देखो, मर्चेंट ऑफ वेनिस तो सेम है, कुछ वर्डिंग अलग हो सकती है, बट अगर सेम है, ज़ेवियर पिंटो है, तो वीडियो में बने रहो, अलग है तो भी बने रहो, मतलब समझ आ जाएगी ना। सो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ये सेलेरिनो एंड सेलिनियो से। किससे? सेलेनियो एंड सेलेरिनो से, सेलेनियो एंड सेलेरिनो। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैं पहले लिख ही लूँ एक बार। सो हमारे पास कौन कौन है, पहले है सेलेनियो, सेलेनियो, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसमें नियो में बहुत ध्यान रखना, इनके तीन है, सेलेनियो, सेलेरिनो एंड सेलेरियो। वो इस चलो एक्ट में नहीं है, शुक्र है इस बात का, बट ठीक है। एक ये है, दूसरा है तुम्हारा सेलेरिनो, सेलेरिनो, ठीक है, सेलेरिनो। अब तीसरा कैरेक्टर है तुम्हारा ऑब्वियसली हमारे शाइलॉक भाई साहब, शाइलॉक। एंड चौथा कैरेक्टर है ट्यूबल। अब ट्यूबल का वैसे एज सच कोई रोल नहीं है, मतलब है मतलब बातचीत में, बट मेन तो तुम्हारा यही है ना, शाइलॉक सबसे तकड़ा है, तुम विलन कह सकते हो, विलन तो नहीं, मतलब देखो तुम्हारे और मेरे ख्यालात बिल्कुल सेम होने ज़रूरी नहीं है, बट आई डोंट नो व्हाई मुझे हमेशा शाइलॉक पे तरस आता रहता है यार। मतलब पूरी ज़िंदगी उसको यही सब ऐसा रोना धोना ही मिला, कभी गाले पड़ी, कभी लत मारी उसने, कभी थूक दिया उस पर, कुछ भी हुआ, एंड जब रिवेंज लेने का टाइम आया फिर वो फंस गया। स्पॉइलर नहीं दे रहा वैसे, तो तुमने पढ़ी लिया होगा स्टोरी, तुम्हें पता ही होगी, बट ठीक है। तो सेलेरिनो, सेलिनियो एंड ट्यूबल एंड शाइलॉक, ये 4 कैरेक्टर्स हैं तुम्हारे। अब सबसे पहले जो सबसे पहले मतलब अब तुम देखो 1, 2, 3, 4, 5, हाँ तो 5 पेज जो का है तुम्हारा, 4, उप्स बंद हो गई, अब ढूंढो। हाँ तो ये जो 5 पेज का तुम्हारा सीन है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता। सबसे पहले जो कन्वर्सेशन होती है वो होती है सेलेनियो एंड सेलेरिनो की कन्वर्सेशन तुम्हारी हो रही है सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट कन्वर्सेशन ये हो रही है, उसके बाद तुम्हारा शाइलॉक एंटर करेगा, लास्ट में कौन आएगा, ट्यूबल आएगा, ठीक है। तो लास्ट की ये कन्वर्सेशन होगी, उसके पहले ये सब चल रहा होगा तुम्हारा। सो अब यहाँ पे क्या आता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेलेनियो ने क्या कहा, शुरू किसने किया, सेलेनियो ने। अब यहाँ पे ना तुम्हें अगर वहाँ पे आएगा कि मतलब नाउ व्हाट न्यूज़ ऑन द रियल्टो या फिर कुछ भी ऐसा आ गया, एंड तुम कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि भाई इनमें से कौन सा हो सकता है, सेलेरिनो ने कहा था कि सेलेनियो ने कहा था, फ़र्क कैसे करें। वैसे तो देखो फ़र्क करना काफ़ी मुश्किल है, मतलब नाम से कन्फ्यूज़ हो जाता है बंदा, बट सिंपल अगर तुम देखो ये जो बंदा है और ये जो बंदा है, इनकी पर्सनालिटीज अगर तुम समझ लो ना, तो तुम अनुमान लगा सकते हो कि ये किसी, अब तुम सब कुछ याद तो नहीं कर सकते एक दो दिन में कि एक एक लाइन किसने क्या क्या कहा है, बट तुम अनुमान लगा पाओगे कि इसकी पर्सनालिटी के हिसाब से इसने ही ये लाइन कही होगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, मैं तुम्हें बताता रहूँगा पर्सनैलिटी वगैरह के बारे में, ठीक है। सेलेनियो बोलता है व्हाट न्यूज़ ऑन द रियल्टो, के मतलब रियल्टो पता है ना तुम्हें, वेनिशियन जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें क्या खबर आई है। तो सेलेरिनो बोलता है, फिर ये जवाब दे रहा है, ठीक है, वाई Yet it lives there unchecked in the sense के मतलब ये खबर जो है apparently confirmed ही है, क्योंकि इसको अभी तक किसी ने ऐसा नहीं ठुकराया नहीं है, you know, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि ये खबर गलत है, क्योंकि सब लोग को लग भी रहा है, एंड जितने भी रूमर्स वगैरह उन सबके हिसाब से हाँ ही है, ठीक है। सो why yet it lives there unchecked that Antonio hath a ship of rich lading wrecked। Hath का मतलब have को ही बोलते हैं, मतलब थर्ड पर्सन को जब हम कह रहे हो तो hath लिख देते हैं, मतलब शेक्सपियर की इंग्लिश है यार, थोड़ा बहुत तो कॉप अप करना पड़ेगा। तो एंटोनियो हैज अ शिप ऑफ रिच लेडिंग, लेडिंग मतलब जो उसमें गुड्स वगैरह नहीं रखते, मतलब शिप्स क्यों जा रही हैं, कुछ सामान या फिर बंदों को ट्रैवल वगैरह करवाने, तो जो ट्रांसपोर्ट करवाना है गुड्स, उनको कहते हैं हम लेडिंग या लैडिंग क्या बोलते हैं, लैडिंग बोलते हैं। सो रिच लैडिंग रेक्ट ऑन द नैरो सीज,
रेक्ड का मतलब क्या है तुम्हारा? रेक्ड का मतलब होता है कि शिप्स जो या तो कुछ डैमेज हो चुकी हैं या पूरी तरह फंस चुकी हैं, यू नो, मतलब निकलने का कोई इसका सवाल नहीं है, तो रेक हो चुकी हैं एक तरीके से तुम कह सकते हो। किसकी शिप्स? अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से करना चाहूँगा, ये दोनों कन्वर्सेशन कर रहे हैं किसके बारे में? एंटोनियो शिप्स, ठीक है, शिप्स। तो एंटोनियो की जो शिप है या शिप्स है, मतलब जनरली एक दो की बात कर रहे हैं, उनके क्या खबर है, मतलब वो कहीं सही में क्या ख़राब हो गई है, सही में आगे आएगा, मतलब गुड्स विंग लैंड वगैरह वहाँ पे ख़राब हुई, वहाँ पे फंस गई हैं वगैरह सब, कि ये सिर्फ रूमर है वगैरह सब। तो ये दोनों कन्वर्सेशन किसके बारे में हो रही है? एंटोनियो शिप्स के बारे में, ठीक है। ऑलराइट, अब ये क्या बोल रहा है कि जो शिप ऑफ रिच लेडिंग रेक्ड हो चुकी है, मतलब डैमेज हो चुकी है, फंस चुकी है ऑन द नैरो सीज। नैरो सीज होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल दोनों साइड पे तुम्हारा लैंड हो एंड बीच में तुम्हारा पानी हो। तुम कहोगे ये भैया ये तो रिवर होती है, रिवर थोड़ी अलग होती है, ऐसे नैरो हो जाए, नैरो का मतलब ये नैरो सी, तो वो चीज़ होती है, ठीक है। द गुडविंस, अब गुडविंस क्या है वो भी कोई मतलब जगह का नाम है, जगह नहीं मतलब तुम कह सकते हो सी टाइप का नाम है जो बहुत नैरो। आई थिंक दे कॉल एट दैट प्लेस, के मतलब उसने पूछा कि खबर क्या है रियल्टो में। ये बता रहा है कि अगर ये खबर अभी तक तो किसी ने मतलब डिक्लाइन नहीं की है, कि मतलब सब मान यही रहे हैं कि एंटोनियो की जो शिप थी जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब पैसा लगा था, मतलब बहुत ज़्यादा महंगे गुड्स वगैरह थे, वो रैक हो चुकी हैं, वो क्या हो चुकी है, डैमेज हो चुकी हैं नैरो सी पे। कहाँ पे? गुडविंस में, गुडविंस सैंड्स, यहाँ पे लगा दी फोटो, ठीक है। मुझे लगता है हाँ उसे यही जगह कहते हैं, मतलब गुडविंस, जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं ना, वो शायद पता नहीं वो चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में पता नहीं 17 सेक्टर, हाँ 17 ही है शायद, ठीक है। तो ऐसे ऐसे वो बोल रहे हैं, आई थिंक दे कॉल इट दैट, दे कॉल द प्लेस अ वेरी डेंजरस फ्लैट एंड फैटल। अ वेरी डेंजरस फ्लैट एंड फैटल मीन्स के मतलब वहाँ पे पता क्या होता है, देखो जो इतनी भारी शिप्स होती हैं, अगर वो किसी मतलब रेतली जगह पे चली जाए तो उन्हें तुम कैसे वापस लेके आओगे सी में? कितना मैन फोर्स लगाने की कोशिश करोगे, कितने हाथियों की पावर लगा दोगे? इतनी बड़ी बड़ी जो शिप्स होती हैं वापस थोड़ी पानी में जा पाएंगी, तो फंस गई वहाँ पे, फंस गई। फिर वो सैंड अगर इधर उधर हुई वो ऐसे गिर भी सकती है, उल्ट सकती है, सारा गुड़ पानी में गया, अब सब बह गया, ख़त्म हो गया ना, जैसे तो वही चीज़ होती है। स्टार्टिंग में भी पहले सीन में भी यही लोग बात कर रहे थे कि अगर गिर जाती है तो, मैं भी पूरा जब मेरी शिप जाती है यही सोचता रहता हूँ वो सब, तो उसकी रेफरेंस टाइप लिया यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत फैटल होती, बहुत डेंजरस होती है ऐसी जगह। वेयर द कास्करेसिस ऑफ मेनी टॉल शिप्स लाई बरेड। कास्करेसिस मतलब कि बहुत डैमेज पार्ट्स होते हैं, जैसे जैसे मैंने कहा गुड्स वगैरह गिर गए उसके, अब वो सब ऐसा थोड़ी है कि एक बंदा उठा के वापस रखेगा कुछ होगा, तो वो सब बस वहाँ पे से दफन हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली अब रेत में इतना भारी भारी सामान गिरेगा तो वो ऐसे अंदर चला ही जाएगा ना, ख़त्म हो जाएगा वो। So, as they say, if my gossip report to be an honest woman of her word. अब gossip का मतलब क्या है? देखो gossip isn't के कोई particular, you know, बातचीत के बारे में बात की। यहाँ पे gossip का मतलब है madam rumor, के मतलब जिसने भी ये बात फैलाई है, ठीक है। If my gossip, तो ये बात तभी सच्ची हो सकती है अगर जो ये आंटी है, मतलब जिसने बात फैलाई है ऐसी बोल रहा है, तो वो पूरी दुनिया की सबसे ईमानदार औरत हो, तो भी मैं मानता हूँ ये बात सच है, नहीं तो मैं भी नहीं मानता, ठीक है। कौन बोलता है? सेलेरिनो बोलता है, ठीक है। सो उसके बाद आता है सेलेनियो। देखो ये ऐसे ही बोलेंगे, सेलेनियो पूछेगा, ये जवाब देगा, फिर ये कुछ बोल लेगा अपनी तरफ से इंटरप्रेट करके, फिर ये उसको समझाएगा कि नहीं हाँ हाँ थोड़ा ऐसा, बस अब बंद, शांत हो जा और ना बोल, फिर बोलेगा कि चलो हम प्रे प्रूव कर लेते हैं, फिर ऐसे सब वो सब आएगा भी। तो सेलेनियो बोलता है आई वुड शी वॉज लाइंग एज अ गॉसिप इन दैट एज एवर नैप्ड बाय अ जिंजर। के मैं तो यही आशा करता हूँ कि वो जो आंटी है वो उतनी ही झूठी हो जिसने रूमर फैलाया, उतनी ही झूठी हो जितनी एक ऐसी बूढ़ी औरत जो जिंजर खा के, मतलब ये एक पुराना एलिजाबेथ के टाइम पे ऐसा प्लेस वगैरह में यही किया जाता था कि जिंजर ऐसे च्यू करके, थोड़ा रोना आ जाता है ना, तो जिंजर च्यू करके अपने नेबर्स को ये विश्वास दिलाती है कि जो मेरा तीसरा हस्बैंड अभी मरा है, ठीक है, उस पे मैं रो रही हूँ, तो पर वो रो क्यों रही है? क्योंकि उसने जिंजर खाया। मतलब ये इसलिए दिखाने, ऐसा बोला क्यों गया? इसलिए कि उस टाइम पे ऐसा माना जाता था कि अब उसका तीसरा हस्बैंड की डेथ हुई है, मतलब उसको तो एक्सपीरियंस हो गया, अब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसके वो मरा है कि नहीं मरा, तो इसलिए मतलब वो इतनी झूठी हो, ठीक है, जस्ट रेफरेंस है ये फॉर द डेथ ऑफ अवर थर्ड हस्बैंड, ठीक है। बट इट इज़ ट्रू विदाउट एनी स्किप्स ऑफ प्रॉक्सिलिटी और क्रॉसिंग, ठीक है, स्लिप्स ऑफ प्रॉक्सिलिटी मतलब लैप्सेस इनटू द टीयर स्पीचेस, के अगर तो ये सच है, ठीक है, बट इट इज़ ट्रू विदाउट एनी स्लिप्स ऑफ प्रॉक्सिलिटी और क्रॉसिंग द पाथ हाईवे ऑफ टॉक दैट गुड एंटोनियो, के अगर तो ये सत्य है,
ठीक है, तो बिना कोई ज़्यादा बात किए, ठीक है, मतलब बिना कोई ज़्यादा ऐसे मैं स्पीचेस पूछे दिए, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जो अच्छा एंटोनियो है, जैसे गुड एंटोनियो, ऑनेस्ट एंटोनियो एडजेक्टिव यूज़ हो रहे हैं, तो गुड एंटोनियो है जो अच्छा एंटोनियो है, फिर बोल रहा मुझे इतना कोई अच्छा टाइटल ही नहीं मिल रहा कि उसके नाम के साथ मैं लगा पाऊँ, ठीक है, मतलब इतना वो अच्छा बंदा है फिर भी वैसे हो रहा है, ठीक है, मतलब बात क्या कर रहा था कि अगर तो वो सच्चा है तो बिना कोई ऐसा, मतलब अगर तो ये चीज़ सत्य है तो बिना कोई ऐसा बातचीत किए, बिना कोई स्पीच दिए हमें ऐसा बोलने लगा होगा कि एंटोनियो के पास जाना चाहिए, समथिंग दैट द गुड एंटोनियो, ठीक है, कुछ बोलने लगा एंटोनियो के बारे में, फिर एकदम से उसके दिमाग में एक और लाइन आई कि यार जो इतना अच्छा बंदा है, अच्छा, देख अच्छा वर्ड भी कम पड़ जाए उसके, मैं क्या बोलूँ उसको, है ना, लाइन के बीच में कोई और लाइन शुरू कर दी उसने, जनरल ये टॉक हुई, फिर सलारी ने बोलता कि यार बस कर, इतनी अशुभ बातें मत कर, ठीक है, कम द फुल स्टॉप। उसके बाद सलानियो बोलता है, हाँ, व्हाट सेज दो व्हाई द एंड इज ही हैथ लॉस्ट अ शिप, कि अब तुम, सलानियो बोलता है कि यार अब चुप रहने से क्या होगा, अब तुम क्या बोलते हो मुझे ये बताओ, क्योंकि इतना तो प्रूव ऑलमोस्ट हो ही गया है कि कंक्लूजन तो हमारी बातों का यही है कि उसकी शिप क्या कहते हैं लॉस्ट हो गई है, ठीक है, खो गई है। तो फिर वो सलारिनो बोलता है कि आई वुड इट माइट प्रूव द एंड ऑफ हिज लॉसेस, कि मैं होप करता हूँ कि ये बस उसकी जितनी भी संपत्ति जो खो रही है या फिर उसका जो नुकसान हो रहा है, इसके बाद कोई नुकसान ना हो, ठीक है, अभी जो हो गया हो गया, उसके बाद कभी कोई नुकसान ना हो उसका, ठीक है। फिर आता है सेलानियो, सेलानियो फिर बोलता है कि मैं फटाफट आमेन बोल लूँ बी टाइम्स मतलब इमीजिएटली। अब ये लाइन का सिग्निफिकेंस क्या है कि लिस द डेविल क्रॉस बाय प्रेयर फॉर हेनरी कम्स इन द लाइकलीनेस ऑफ अ ज्यू, इसका क्या मतलब है ना, तो मैं बताता हूँ, लेट मी से आमेन, आमेन का मतलब कि मैं फटाफट, मतलब आमेन का मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बी इट्स ओके, मतलब यही हो, उसने क्या बोला है कि इसके बाद कोई नुकसान ना हो, तो वो भी यही चाहता है कि इसके बाद कोई नुकसान ना हो, तो वो कहता है मैं फटाफट आमेन बोल दूँ। तो पहले ज़माने में क्या माना जाता था कि अगर तुम्हारी प्रेयर करते करते, जब मतलब जब तक तुम्हारी प्रेयर ख़त्म नहीं हुई है, जो डेविल है वो तुम्हारी प्रेयर से पास कर जाए, मतलब डेविल एक स्पिरिट माना जाता है, वैसा नहीं है, अब अगर तुमने लूसीफर देखी है सीरीज तो तुम कुछ और मानोगे कि लूसीफर मॉन्स्टर आ गए, चलो व्हाटएवर, बट डेविल उसका पास्ट क्रॉस करके अगर जाएगा तो वो जो प्रेयर है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी, उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रहेगा, मतलब नहीं रहेगा। तो किसी के ऐसा डेविल के आने से पहले पहले मैं प्रेयर ख़त्म कर लूँ और फिर वो उधर देख के कहता है वो देखो, नहीं तो वो मेरी प्रेयर से पास आउट कर जाएगा। वो कौन है? वो है शाइलॉक। वो मानता है कि मतलब ये जो जीव है इसी की फॉर्म में डेविल आ रहा है, ठीक है, तो वो उसको वही मानता है। फिर शाइलॉक आ जाता है। अब देखो सेलानियो ने शाइलॉक से कुछ ज़्यादा बात की ही नहीं है, ऑलमोस्ट 0%, ठीक है, मतलब 0% नेग्लिजिबल कह लो तुम, जितनी बात शाइलॉक के साथ की है वो सेलारिनो ने की है, इन दोनों की कन्वर्सेशन हुई है, इन दोनों की कन्वर्सेशन नहीं हुई है, ठीक है, एक ही लाइन बोली है, एक ही बार वो बोला और बिल्कुल मतलब नेग्लिजिबल ही तुम कह सकते हो, तभी मैंने कहा। तो अब तक इन्होंने क्या बात करी कि एंटोनियो की शिप्स पे, ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि मैं फटाफट आमिन बोल लूँ क्योंकि जो डेविल है वो आ ना जाए। डेविल कौन? वो शाइलॉक को रेफर करते हुए बोलता है। फिर शाइलॉक आ जाता है, मतलब सबसे पहले कौन है? सेलानियो, सेलारिनो। अब इनकी कन्वर्सेशन से हमें क्या पता लगता है? ये सवाल पूछ रहा है, ये जवाब दे रहा है, सवाल पूछ रहा है, जवाब दे रहा है, ऐसे हो रहा है। व्हाट न्यूज़ ऑन द रियल्टो, इसने पूछा, फिर इसने बता दिया कि ये सब हो रहा है। फिर वो बोलता है कि हाँ मैं तो ये मानता हूँ कि ये सब झूठी बोल रही हो वगैरह सब, पर एंटोनियो का टाइटल वगैरह की ये सब बात करता है, वो सेलानियो करता है। फिर उसके बाद फिर वो कहता है कि बस अब शांत हो जा। फिर वो पूछता है कि शांत क्यों हो जाऊँ यार, अब तो हमें पता ही है, अब तेरा क्या क्या कहना है कि अगर ये बात मतलब ऑलमोस्ट सत्य है, हमें पता लग गया है, तो अब क्या होगा, ठीक है, काइंड ऑफ फिर पूछता है। फिर वो कहता है कि बस इसके बाद कोई लॉस ना हो। फिर वो प्रेयर करता है, इतनी उनकी कन्वर्सेशन होती है। शाइलॉक आ जाता है। अब शाइलॉक, ठीक है, यहाँ पे शाइलॉक और सेलारिनो की बात होगी, देखना तुम। हाउ नाउ शाइलॉक, व्हाट न्यूज़ अमंग द मर्चेंट्स, ठीक है, तो वो फिर उससे भी, शाइलॉक से भी पूछता है कि अब तुम क्या खबर लेके आए हो, ठीक है, मर्चेंट्स की। तो फिर शाइलॉक बोलता है, यू नो नन सो वेल ऑफ यू माई डॉटर्स फ्लाइट। तो फिर शाइलॉक बोलता है, इसको ध्यान से सुनना, ये इससे पूछता है कि रियल्टो में या फिर जो स्टॉक एक्सचेंज है या फिर जो मर्चेंट्स का मिलते जुलते हैं रियल्टो में मिलते हैं, वहाँ पे क्या खबर है, ठीक है, ऐसे जनरली। अब वो क्यों पूछ रहे हैं? वो एंटोनियो के बारे में पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, उनको तो एंटोनियो से मतलब है। शाइलॉक क्या बोलता है? वो जवाब देता है कि तुझे तो पता ही है, मतलब तुम्हें तो सबसे ज़्यादा तुम्हें ही पता है, ठीक है, कि मेरी बेटी उड़ गई है, ठीक है, माई ब्रोडर्स भाग गई है, उड़ गई है। उसने इस हिसाब से थोड़ा सार्केजम से बोला, रोते रोते सार्केजम से,
कि मेरी बेटी भाग गई है, ठीक है, वो बोलता है मेरी बेटी भाग गई है। तो ये क्वेश्चन करता है सेलेरिनो एंटोनियो के बारे में पूछने के लिए, शाइलॉक जवाब देता है किसके बारे में, अपनी बेटी के बारे में, जेसिका के बारे में, ठीक है। अब फिर सेलेरिनो बोलता है दैट सर्टन आई फॉर माई पार्ट न्यू दैट ट्रेलर हैड मेड द विंग्स ही फेल, कि ये तो बात है, मतलब सब वो कहता है ना सबसे ज्यादा तुझे ही पता था, कहता हाँ ये तो बात है, मुझे तो ये भी पता था कि किस टेलर ने, किस दर्जी ने उसके पर बनाए थे, उसने कहा ना उड़ गई तो किसने पर बनाए वो भी मुझे पता है। फिर सेलेरिनो चुपके से बोलता है एंड शाइलॉक फॉर हिज ओन पार्ट न्यू द बर्ड वॉज फ्लेच्ड एंड देन इट वॉज द कम्प्लेक्शन ऑफ देम टू लीव द डैम। तो शाइलॉक एंड फिर सेलेरिनो बोलता है कि शाइलॉक को भी यही पता था अपने हिसाब से कि जो बर्ड है वो तैयार है बिल्कुल उड़ने के लिए, क्योंकि इतना उसको घर में बंद करके रखना वगैरह से उड़ना ही था उसके हिसाब से, ठीक है। एंड देन इट इज़ द कम्प्लेक्शन ऑफ देम, तो और बाद में उनका नेचर ही होता है कि अपने मतलब माँ को छोड़ के उड़ जाना, ये बर्ड्स की बात हो रही है और ये आप अपने आप में बोल रहे हैं, इसकी अब कोई इंपॉर्टेंस नहीं। फिर शाइलॉक फिर बोलता है शी इज डैम्ड फॉर इट, कि मतलब अब डैम्ड फॉर इट मतलब कोई गाली गोली ऐसे है कि मतलब स्वेयर वर्ड टाइप ही होता है जो लोग यूज करते थे गुस्से में, ठीक है, जैसे ब्लडी हेल वगैरह कुछ यूज कर लिया वैसे ही वहाँ पे उसने बोल दिया डैम्ड फॉर इट, ठीक है। फिर सेलेरिनो बोलता है कि ये तो बात सही है, वो कह ना कि डैम्ड फॉर इट मतलब उसको तो इसका ऐसा बहुत गलत होगा या कुछ भी देखी जाएगी अब उसके साथ क्या होगा। सेलेरिनो बोलता है ये तो बात है अगर डेविल उसको जज करेगा, बाकियों के हिसाब से उसने कुछ गलत नहीं किया क्योंकि उसके इसके साथ रहना ही कौन चाहता था उनके हिसाब से, बट उसके हिसाब से उसने बहुत गलत कर दिया है अब तो उसको सज़ा मिलेगी। वो कहता हाँ सज़ा तो मिलेगी अगर कौन जज करे उसको, डेविल जज करे। और हमने कुछ पिछले पेज पे हमने क्या पढ़ा था कि कौन है डेविल, किसको यहाँ पे रेफर किया गया, शाइलॉक को ही। तो मतलब अगर तू जज करेगा तो है, उसने ऐसे डायरेक्ट नहीं बोला, उसने डेविल बोला, ठीक है। फिर वो बोलता है शाइलॉक माई ओन फ्लैश एंड ब्लड टू रिपेल, कि मतलब मेरे ही खून ने मेरे साथ मतलब मेरे साथ धोखाधड़ी करती, ऐसा कुछ क्या बोल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद सेलेरिनो बोलता है देयर इज मोर डिफरेंस बिटवीन के तुम्हारे फ्लैश में और उसके फ्लैश में जितना ब्लैक एंड वाइट कलर में डिफरेंस है ना उससे भी ज़्यादा फर्क था, ठीक है। जितना तुम्हारे खूनों में डिफरेंस है उस मतलब तुम्हारे खूनों में जितना डिफरेंस था वो रेड वाइन और रेनिश से भी ज़्यादा था। अब रेड वाइन होती है थोड़ी सस्ती, रेनिश होती है महंगी, और मतलब ये रेड वाइन ही होती है, वाइट वाइन होती है, मतलब देखो रेड वाइन इज चीप एंड जो कि लोकल मिलती थी, रेनिश चीप नहीं होती थी, यहाँ पे लिखा होगा हाँ जर्मन की होती थी, ठीक है, वो जर्मन से जो आती थी एक्सपोर्टेड, ठीक है, बाहर से। बट टेल अस डू यू हियर वेदर एंटोनियो हैड एनी लॉस एट सी ऑर नॉट, तो वो कहता है हाँ यार मतलब तेरे में बहुत फर्क था वो सब वो बोलता है, बट तू वो सब बातें छोड़ हमें बता, हम जो पूछ रहे थे एंटोनियो का नुकसान हुआ है सही में कि नहीं हुआ है, मतलब वो तो वही पूछना चाहते थे शुरू से पर उसने कुछ और जवाब देना शुरू कर दिया। फिर शाइलॉक बोलता है कि देयर आई हैव अनदर बैड मैच, कि यहाँ पे ये लो जी तूने क्या याद करा दिया, मेरे पास एक और मैंने गलत बार्गेन कर दिया, अंदर से तो एक खुश है बट बाहर से क्या बोल रहा है कि मतलब एक और मतलब गलत ट्रांजेक्शन कर दी, पैसे देने ही चाहिए थे ऐसे बैंकक्रप्ट को जिसको पता ही था कि ठीक है आप बैंकक्रप्ट आप प्रोडिगल, कि मतलब एक ऐसे बैंकक्रप्ट को मैंने पैसे दे दिए और एक प्रोडिगल, वो दोनों ही थे ना, जो अब एंटोनियो बैंकक्रप्ट हो गया एंड प्रोडिगल इसलिए क्योंकि वो पैसा बहुत ऐसा खर्च करता था, हु डेयर टू स्कार शो हिज हेड ऑन द रियल्टो, जो कि बहुत कभी कभी रियल्टो आता था यू नो प्राउड में रहता था, अब जो भिखारी बन गया है दैट ही वॉज यूज टू कम सो स्मग, मतलब पहले जितना ऐसे प्राउड में जितना बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड आता था कि मैं ही मैं हूँ हर कुछ, अब वो भिखारी बन चुका है, उसकी शिप्स गई है ना, तो उसलिए वो बोल रहा है एंड सो स्मग अपॉन द मार्ट, ठीक है, मार्ट मतलब रियल्टो, ठीक है। लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड, मतलब उसको अपने आप बॉन्ड की अच्छे से ख्याल रखने दो, ठीक है। ही वॉज वॉन्ट टू कॉल मी अर्सर अर्सुरर, तो ही वॉज वॉन्ट वॉन्ट मतलब कि अकस्टम्ड, उसको आदत सी हो गई थी मुझे यूसरर बोलने की, यूसरर क्या होता है यहाँ पे लिखा होगा हाँ अ पर्सन हु लेंड्स मनी, मतलब उसको वो मुझे ऐसा बोलता था कि ये पैसा मतलब इतना पैसा देता है उसको कितना इंटरेस्ट लगा के बोलता है, मतलब मेरी बेइज्जती करता था, मुझे बोलता था कि मैं बहुत अनएथिकल हूँ, इलीगल हूँ या कुछ भी सब, ठीक है। लुक एट हिम, के अब उसे अपने बॉन्ड की तरफ देखने दो, ही वॉज वॉन्ट मतलब टू लेंड मनी फॉर क्रिस्टन कोर्टेसी, मतलब कि वो इतना कस्टम हो गया था ना, मतलब उसको आदत ही हो गई थी अपना पैसा लेंड करने की क्रिस्टन कोर्टेसी को, क्रिस्टन कोर्टेसी समझते हो, क्रिस्टन कोर्टेसी मतलब कि बिना इंटरेस्ट के ऐसा दयालु बन के, कि मैं क्रिस्टन्स बहुत दयालु होते हैं मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ ऐसा बन के, ठीक है, बहुत पैसा दान करता था। लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड, कि अब मैं उसकी बॉन्ड की तरफ देखता हूँ कि अगर तो वो मतलब अब वो अपने टाइम तक अपना बॉन्ड अच्छे से पूरा करे, देखते हैं कैसे करते हैं। फिर सेलेरिनो फिर बोलता है, देखा इनकी ही कन्वर्सेशन हो रही है, फिर सेलेरिनो फिर बोलता है कि वाई आई एम श्योर इफ ही फॉरफिट, फॉरफिट मतलब कि पे करने को रह गया, मैंने फेल्स टू प्ले पे,
ठीक है, thou will not take his flesh, what's that good for? कि मतलब अगर मैं वो समझता हूँ पर अगर वो पे करना नहीं भी कर पाया तो फिर भी तुम उसकी उसका फ्लैश थोड़ी लोगे यार, वो तुम्हारे किस काम का, ये बोल रहा है। ठीक है, शाइलॉक को दो पेज हो गए तुम्हारे। उसके बाद शाइलॉक बोलता है टू बेट फिश विद ऑल, के चाहे बेट विद फिश ऑल, फिश विद ऑल मतलब विद होता है, मतलब पहले टाइम पे विद ऑल यूज़ करते थे शाइलॉक शेक्सपियर, तो विद है। ठीक है, टू बेट फिश विद, बेट मतलब कि जैसे नहीं होता ऐसा जिससे मछली पकड़ते हैं उसके ऐसे कुछ लगा दिया जिससे सारे मछलियाँ वगैरह उसके पास आए, खाने खाने का कुछ लगा दिया, तो मैं वो करूँगा उसके फ्लैश से। इफ़ इट विल फीड नथिंग एज इट विल फीड माई रेवेंज, अगर वो किसी की भूख नहीं मिटाएगा तो वो मेरे बदले की खून आग मिटा देगा, कुछ भी मतलब बोल लो। ही हैथ डिस्क्रेज्ड मी, डिस्क्रेज्ड मी मतलब उसने मुझे काफ़ी बेइज्जती की है, डिसकॉनर किया मुझे, एंड हिंडर्ड मी हाफ अ मिलियन, और मेरा हाफ अ मिलियन का एटलीस्ट नुकसान कराया उसने, कैसे, ये बोल के कि मतलब मैं कुछ कमाई नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मैं अब वो फ्री में पैसे देगा, मतलब मुझे जितने हैं उतने लौटा देना, मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई अगर तू 1 लाख लेके जा रहा है तो 2 लाख या फिर चलो 1.5 लाख मुझे 1 साल बाद देगी, तो ऑब्वियसली उधर से लेने जाएंगे लोग तो मेरा नुकसान होगा ना। हाँ, laughed at my losses, mocked my gains, मतलब मेरे नुकसानों पे हंसता था, और जब मैं अच्छा कुछ करता था तब ऐसा मुझे कहता था कि मैंने लीगली नहीं किया, या फिर चढ़ाता था। ठीक है, scorned my nation, मतलब मेरी रेस पे काफ़ी बुरा भला बोलता था, thorned my bargains, interfered, मतलब मेरी बिजनेस डील्स के साथ काफ़ी इंटरफेयर करता था, एंड cooled my friends, मेरे जितने दोस्त थे उनको ठंडा करके, मतलब इन द सेंस मेरे जितने दोस्त थे उन सबको मेरे से डिस्टेंस कर दिया, दूर दूर कर दिया, एंड मेरे जितने एनिमीज थे उनको आग लगा दी, थोड़ी चिंगारी लगा देता था कि ये तो बुरा ही है, बुरा ही, और बुरा और गुस्सा चढ़ा देता था उनको। एंड व्हाट्स हिज रीज़न, एंड ये सब वो क्यों करता था, क्योंकि मैं जीऊँ, जीव की आंखें नहीं होती, जीव के हाथ नहीं होते, ऑर्गन्स नहीं होते, डायमेंशन नहीं होते, डायमेंशन मतलब लिम्स वगैरह होते, ठीक है, लिम्स यहाँ नहीं होते, लिम्स वगैरह, ठीक है, सेंसेस नहीं होते, अफेक्शन नहीं होते, पैशन नहीं होते जीव के, सब कुछ होता है ना, हम सेम खाना नहीं खाते क्या, हमें जिन मतलब जिन हथियारों से तुम्हें दर्द होती है उनसे हमें नहीं दर्द होती, मतलब हम हर्ट नहीं होते, क्या था, हाँ, जितनी जो बीमारियां तुम्हें लगती है वो हमें नहीं लग सकती, जिन दवाइयों से तुम ठीक होते उनसे हम नहीं ठीक होते, वार्म्ड एंड कूल्ड बाय द सेम विंटर एंड समर, मतलब अगर सर्दियों में तुम्हें ठंड लगती है तो हमें भी ठंड लगती है, अगर गर्मियों में तुम्हें गर्मी लगती है तो हमें भी गर्मी लगती है, एज अ क्रिस्टन इज, जैसे क्रिस्टन को लगती है वैसे ही होता है ना हमारा भी, इफ़ यू प्रिक अस डू नॉट विल, अगर तुम हमारे ऐसे यू नो ऐसे कुछ तीखा मारोगे तो हमारे खून ही निकलेगा, इफ़ यू टिकल ऐसा अगर तुम गुदगुदी करोगे तो हमारे हम हंसेंगे नहीं, अगर तुम जहर दोगे तो हम मरेंगे नहीं, एंड अगर तुम गलत करोगे तो हम रिवेंज नहीं लेंगे, अगर इफ़ वी आर जस्ट लाइक यू इन रेस्ट वी विल रिजेंबल यू इन दैट, अगर हम बाकी सब चीज़ों में खाने में पीने में रहने में सब कुछ में तुम्हारे सेम है तो रिवेंज लेने में भी हम तुम्हारे से सेम ही होंगे। तुम मुझे खुद बताओ कि अगर कोई जीव ने किसी क्रिश्चियन के साथ गलत किया होता तो वो क्रिस्टन उसको बख्शता, उस वो थोड़ा पेशेंस दिखा के कहता कि कोई ना, नहीं, वो क्या करता रिवेंज लेता। इफ अ क्रिस्टन रॉन्ग, अब किसी क्रिस्टन ने जीव के साथ गलत किया, मतलब एंटोनियो ने शाइलॉक के साथ गलत किया, पैसे की बात नहीं कर रहा, पूरी जिंदगी की बात कर रहा है, ठीक है, व्हाट शुड ही सफरेंस बी द क्रिस्टन एग्जाम्पल, तो जैसे मैंने क्रिस्टन की एग्जाम्पल दी वैसे अब मुझे क्या करना चाहिए बताओ, रिवेंज ही लूंगा ना। द विलनरी यू टीच मी आई विल एग्जीक्यूट एंड आई शैल गो हार्ड बट आई विल बेटर द इंस्ट्रक्शंस, कि मतलब तुमने जो अब मेरे साथ इतना बुरा किया वो मैं सीख चुका हूँ, एंड वही मैं तुम्हारे साथ करूँगा, जितना बुरा वो मतलब जो जो बुरी चीज़ें वगैरह तुमने क्रुएलिटी दिखाई है ना, मैं वही तुम्हारे साथ बख्शूंगा, बस उसको और अच्छे से करूँगा, और बुरी तरह तुम्हारे मतलब क्रुएलिटी टाइप्स दिखाऊंगा, तो इतना बड़ा शाइलॉक बोलता है। शाइलॉक जब बोलता है ना इसको गुस्सा चढ़ जाता है, फिर निकल जाता है इसके मुँह से। फिर एक सर्वेंट आता है, अब सर्वेंट मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, उसका छोटा सा ही रोल है, यहाँ पर लिख लो सर्वेंट, ठीक है, सर्वेंट बोलता है जेंटलमैन में मास्टर एंटोनियो एट 1000 डिजायर टू स्पीक टू बोथ, तो सर्वेंट आता है वो बोलता है सेलेरिनो और सेलिनियो को कि एंटोनियो घर पे है, वो आप दोनों से मिलना चाहते हैं, तो फिर सेलेरिनो फिर बोलता है, ठीक है, फिर सेलेरिनो जो सर्वेंट है उससे भी सेलेरिनो ही बात करता है, लेट मी राइट सर्वेंट उससे कौन बात कर रहा है, ये दोनों मतलब इनकी आपस में बात हुई, ये लेने किसको आया था, सेलेरिनो और सेलिनियो दोनों को, ठीक है, दोनों को, ऑल राइट, सो सेलेरिनो बोलता है वी हैव बीन अप एंड डाउन टू सीक हिम, कि हम भी उसे ऊपर इतना ऊपर नीचे हुए, कभी पौड़ियाँ ऊपर चढ़े कभी नीचे उसको ढूंढने के लिए, ठीक है, काइंड ऑफ। फिर सेलेरिनो फिर एंड में फाइनली बोलता है, ये बहुत शांत बंदा है, फिर फाइनली बोलता है हियर कम्स अनदर ऑफ द ट्राइब अ थर्ड कैन नॉट बी मैच्ड अनलेस द डेविल हिमसेल्फ टर्न जीव,
ठीक है। तो ये दोनों जाते जाते सेलेनियों सेलेरिनो को बोलता है कि वो देखो एक और उसकी प्रजाति का एक और बंदा आ गया, मतलब इन दोनों जैसा गंदा बुरा क्रूएल और कोई है ही नहीं, अनटिल एंड अनलेस कोई जो डेविल है वो फिर जीवन बनता है। इसको डेविल की बहुत याद आती है मतलब, ठीक है ठीक है। तो फिर कौन, सेलेरिनो सेलिनियो और सर्वेंट, सेलेरिनो सेलिनियो एंड सर्वेंट तीनों निकल जाते हैं। कौन तीनों निकल जाते हैं, तुम कहोगे सेलेरिनो सेलिनियो तो निकल जाए, तीसरा कौन है, सर्वेंट है तीसरा, कट्ठे निकलते हैं, ठीक है कट्ठे निकलते हैं। अब ट्यूबल आ रहा है, अब कौन आ रहा है, ट्यूबल। अब इससे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इनकी क्या बात हुई, थोड़ी देर जेसिका के बारे में बात हुई, ठीक है मतलब उसकी बेटी के बारे में, उसके बाद किसके बारे में बात हुई, एंटोनियो के बारे में या फिर रिवेंज के बारे में, ठीक है हम यहाँ पे कह सकते हैं रिवेंज लेने की, क्योंकि एंटोनियो का ऐसा सच नहीं है वो तो जनरली पूरे रिवेंज को ही एक्सप्लेन करा गया। एंटर ट्यूबल शाइलॉक, हाउ नाउ ट्यूबल व्हाट न्यूज़ फ्रॉम द जेनोवा हैज दे फाउंड माय डॉटर। तो शाइलॉक ने ट्यूबल को जेनोवा भेजा था वहां पे पता करने के लिए कि वहां पे क्या क्या चल रहा है, तो वो पूछ रहा है वहां से क्या खबर लेके आए हो, तुमने मेरी बेटी, तुम्हें मेरी बेटी मिल गई। तो फिर ट्यूबल बोलता है कि मैं काफ़ी कुछ वहाँ से सुन के आया हूँ, मैं वो लेके आया हूँ जो मैंने वहाँ से सुना कि तुम्हारी बेटी कहाँ कहाँ गई, बट मैं उसे ढूंढ नहीं पाया, ठीक है नहीं अब मेरे पास। तो फिर शाइलॉक बोलता है वाई देर 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 आर डायमंड गॉन एंड टू, ठीक है। तो फिर वो कहता है मतलब उसको इस चीज़ का इतना दुख नहीं है कि जैसिका भागी, उसको है कि मेरा सामान लेके भागी, मेरा मतलब पैसा पूसा सब लेके भागी। तो वो कह रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे मतलब एक मेरा डायमंड गया, ठीक है, जो कि मुझे 2000 डकेट्स का पड़ा था फ्रैंकफर्ट में, कहाँ से लिया था, फ्रैंकफर्ट में, ठीक है। द कर्स नेवर फेल अपॉन द नेशन टिल नाउ, के अब ये कर्स की मैं क्या बात करें, कर्स है कि भगवान ने ना मतलब ये बाइबल के अकॉर्डिंग, मैं नहीं कह रहा, गॉड ने ज्यूस को एक कर्स दिया था बिकॉज उन्होंने उनके जो भगवान के लॉस थे वो डिसोबे कर दिए थे, ठीक है, तो उनको एग्जाइल में भेज दिया गया था। तो कहता है ये जो कर्स है हमारे नेशन तक या फिर हमारी रेस तक अभी तक नहीं आया था, अब आ रहा है। मतलब वो ये नहीं कह रहा कि कल्ला मेरे साथ गलत हो रहा है, वो कह रहा पूरी वो कर्स की वजह से मेरे साथ गलत हो रहा है, ठीक है। आई नेवर फेल्ट इट टिल नाउ, कि अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि मैं ज्यू हूँ और मेरे पे कर्स है, अब मुझे पता लग रहा है, ठीक है। 2000 डकेट्स चले गए उसमें एंड इतने प्रीशियस प्रीशियस ज्वेलरी चली गई। आए मैं विश करता हूँ कि मेरी जो बेटी है मेरे कदमों तले मरी हुई होती, यहाँ पे पड़ी होती एंड उसके ज्यूस वगैरह सारे उसके कानों में होते, ठीक है, उसके जो मतलब वो कॉफिन में पड़ी हुई होती मेरे सामने एंड उसके जितने भी डकेट्स हैं ना, जितने मेरे डकेट्स लेके गई है सब मेरे सामने उस कॉफिन में ही होते, इतना हेट करता है। नो न्यूज़, कोई खबर नहीं है उनकी, मतलब इतना ऐसा क्यों है यार कि आई नो नॉट व्हाट स्पेंड इन द सर्च, के आई नो नॉट, मतलब मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मैंने कितना पैसा खर्च दिया सिर्फ उनको ढूंढते ढूंढते, ठीक है। तो मतलब सोचो, एक तो सामान लेके, एक तो जो चोरी करके जो थीफ है या फिर जो जेसिका है वो इतना कुछ लेके चली गई, ठीक है, उसके बाद जब आई उसको, मतलब देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, जेसिका जो थी वो काफ़ी कुछ लेके चली गई, वो कहता अब उसको ढूंढने के लिए कितना पैसा और लग गया, मैं तो खंगाल हो गया ना, मतलब काइंड ऑफ ऐसे ही बोलना चाह रहा है, ठीक है। एंड इतना पैसा लगाया फिर भी कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, जेसिका फिर नहीं मिली, पैसा फिर नहीं मिला, उसकी ज्वेलरीज फिर नहीं मिली, ना कोई रिवेंज मिला, ना कोई, नो इल लक स्टेरिंग बट व्हेन द लाइट्स ऑन माय शोल्डर्स, कि मतलब सिर्फ मैं ही हूँ जो रो रहा है इस बात को, ठीक है। नो साइट बट नो साइज ऑफ बटर, मतलब किसी और को घंटा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मैं ही इतना दुखी हूँ इस चीज़ से। नो टीयर्स बट माय शेड, मतलब कोई और नहीं रो रहा, बस सिर्फ वही आंसू हैं इस पूरी जगह पे सिर्फ जो मेरे मतलब आँखों से निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि मैं ही हूँ जो रो रो रहा है आखिरी तीन लाइनों में। ट्यूबल, अब ट्यूबल क्या बोलता है, येस अदर मैन हैव इल लक टू। फिर वो बोलता है हाँ ये बात तो सही है, कि वो उसने बोला ना कर्स वगैरह का मतलब, फिर वो बोलता है कि हाँ ये बात तो सही है क्योंकि एंटोनियो के साथ भी बुरा, फिर वो साथ में भड़क जाता है शाइलॉक, वो पूछता है क्या 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 बुरा क्या क्या बुरा, ठीक है, खुश हो जाता है फिर वो। फिर ट्यूबल बोलता है कि हैथ एंड आर्गेसी कास्ट अवे कमिंग फ्रॉम ट्रिपलिस, के उसकी एक शिप थी जो कि रेक हो गई है, जो कि कहाँ से आ रही थी, ट्रिपोलिस से, तो मैं याद रखना है ट्रिपोलिस से आ रही थी और गुडविन सैंड में मतलब फंस गई, ठीक है। तो रेक कहाँ हुई, गुडविन सैंड पे, कहाँ से आ रही थी ट्रिपोलिस, कहाँ को जा रही थी, मतलब ऑब्वियसली वेनिस वापस आ रही थी, ठीक है। तो हैथ एंड अगॉर्ड सी कास्ट अवे कमिंग फ्रॉम ट्रिपोलिस, तो फिर शायद लोग खुश हो जाता है कि मैं काफ़ी मतलब भगवान को शुक्रिया करता हूँ कि यू नो भाई तुम यहाँ पर कन्फ्यूज ना हो जाओ, एंटोनियो मैंने लिखा है, यहाँ पे रिवेंज की मोस्टली बातें हुई है एंटोनियो के साथ, यहाँ पे जेसिका और एंटोनियो की बात हुई है, तो सेम ही बात हुई है बस,
ठीक है। फिर वो कहता है मैं भगवान का शुक्रिया करता हूँ, ये सब पूरा सच्ची है ना, झूठ तो नहीं है पक्का ना, ठीक है। फिर वो कहता है कि हाँ मैंने जो कुछ जो बच गए थे ना सेलर्स, मतलब अब शिप खाली थोड़ी जा रही थी, बंदे थे, तो जब वो शिप गिरी या समथिंग जो भी फंसी वहाँ पे, तो वहाँ से जो बंदे निकल के आए हैं बच गए हैं, मैंने उनसे खुद कन्फर्म किया। तो फिर शायलो कहता है कि शुक्र है भगवान का, मतलब शुक्र है, गुड न्यूज़ गुड न्यूज़, कि कहाँ पर जनवा में ना कन्फर्म कहाँ पर था जनवा में इतना खुश। फिर वो ट्यूबल कहता है कि जेनोआ से याद आया, तुम्हारी बेटी ने जेनोआ में, मतलब जैसा मैंने सुना है, कल रात को, ठीक है, 400 डकेट्स खर्च कर दिए। 400 डकेट मतलब कुछ मैंने गूगल किया, पता नहीं गूगल किया था कि यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिखा 480 डकेट्स, तो 80 डकेट्स तो एक रात में ख़त्म कर दिया। तुम्हें लग रहा होगा 80 डकेट्स का क्या ही फ़र्क पड़ता है, उस टाइम पर मैं भी बहुत हूँ, हमें क्या पता। अब यहाँ के तुम लगाओ कि 80,000 तो एक रात में खत्म कर दिया, तुम ऐसे सोचो। शाइलॉक, दाउ स्टिकेस्ट अ डैगर इन मी, आई शैल नेवर सी माई, मतलब तुमने फिर मेरे सीने में एक मतलब छुरा खोप दिया है, मुझे इतनी बुरी खबर देनी थी तुमने, इतने 400 डकेट सिर्फ एक बैठे बैठे खर्च कर दिए, 400 डकेट्स, ठीक है, 80,000। फिर ट्यूबल बोलता है कि उसके बाद बहुत, मतलब शाइलॉक के बहुत से जो क्रेडिटर्स थे, मतलब जिसने उससे पैसा बोरो किया हुआ था, मतलब एंटोनियो ने जिनसे पैसा बोरो किया हुआ था, वो मेरे साथ वापस वेनिस आए, मतलब उसकी शिप देख के वापस आ रहे थे, तो उन्होंने मतलब शिप देख के नहीं, जेनोआ से वापस आ रहे थे, जेनोआ से, ठीक है, जेनोआ से खबर लेने गया था, तो उसे एंटोनियो का भी पता लग गया, दैट्स वेयर ही कैन नॉट चूज बट ब्रेक। और उन्होंने कहा इतना कर्जा है ना उस पे कि वो बच नहीं सकता, वो बैंक्रप्ट हो ही जाएगा, ठीक है। शाइलॉक बोलता है कि इसके लिए तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं उसको परसिक्यूट करूँगा, मतलब काफ़ी क्रुएल्टी वगैरह दिखाऊंगा, आई विल टॉर्चर हिम, आई एम ग्लैड ऑफ इट, मुझे बहुत खुशी है इस बात की, मेरा गला खराब हो रहा है। ट्यूबल, अब ट्यूबल बोलता है वन ऑफ देम, तो फिर अब ये ट्यूबल क्या है ना, पहले जेसिका के बारे में बात करेगा, शाइलॉक उसका जवाब देगा, फिर वो फिर एंटोनियो के बारे में बात करेगा, फिर वो समझेगा उसका जवाब देगा, तो ये ट्यूबल थोड़ा ऐसा बनता है कन्फ्यूजिंग, ठीक है। अब ट्यूबल बोलता है कि तुम्हारे एक बंदे ने वहाँ, मतलब वहाँ एक बंदे ने मुझे एक रिंग दिखाई थी जो तुम्हारी बेटी ने उसको दी थी एक बंदर के बदले, मतलब एक बंदर खरीदा सिर्फ उस रिंग से। शाइलॉक कहता है शेम ऑन हर, मतलब उसने गाली गुली दी होगी, इसमें लिखा नहीं उसने, ठीक है। मतलब इतना टॉर्चर कर रहे हो तुम मुझे, इतनी बुरी खबर बता के ट्यूबल, मेरी वो टॉर्क्यूस थी, टॉर्क्यूस मतलब एक ग्रीनिश ब्लू कलर की, ये याद रखना, टॉर्क्यूस ग्रीनिश ब्लू आ सकता है, ग्रीनिश ब्लू प्रीशियस स्टोन था, मैंने वो मेरी ली, उसकी वाइफ, ये भी नाम याद कर लो, वैसे आएगा नहीं मोस्ट प्रोबेबली, बट फिर भी ली वाइफ थी किसकी, शाइलॉक की, मतलब जेसिका की माँ, मतलब जब मैं बैचलर था तब मैंने उसकी उसको रिंग दी थी, एंड मुझे चाहे ऐसे हज़ारों मंकीज दे देते फिर भी मैं वो रिंग को एक्सचेंज नहीं करता। फिर वो ट्यूबल बोलता है पर एंटोनियो की तो पक्की लग गई है, ठीक है, वो तो पक्का रुइंड है। फिर शाइलॉक बोलता है कि हाँ ये तो बात सत्य है, तुमने बिल्कुल सही कही है, जाओ ट्यूबल मेरे लिए एक ऑफिसर, एक लॉयर हायर करो, ठीक है। अब ये जो अब शाइलॉक आएगा वो लॉयर के साथ ही आएगा, ठीक है, लॉयर के साथ नहीं बट कोर्ट वगैरह में आएगा, तो जाओ ट्यूबल मेरे लिए एक लॉयर हायर करो तुम, एंड उसको बुक कर लो फोर्टनाइट बिफोर। अब फोर्टनाइट का यहाँ पे मतलब लिखा हुआ था, पता नहीं गूगल, मतलब फोर्टनाइट मतलब जल्दी से एक दो हफ्ते में पहले ही हायर करके रखो तुम उसको, कि आई जब मतलब बॉन्ड खत्म होने से एक दो हफ्ते पहले, ठीक है, आई विल हैव द हार्ट ऑफ हिम, कि मैं उसका दिल कट के रख लेना, किसका, एंटोनियो का, इफ़ ही फॉरफिट, ठीक है, कि अगर वो मतलब लायबल हुआ उस चीज़ के, अगर उसने पैसा चुका दिया तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली, बट अगर पैसा नहीं चुका पाया, जो कि मुझे लग रहा है नहीं चुका पाएगा, तो मैंने कांड कर देना उसके साथ, फॉर वेयर ही आउट ऑफ वेनिस आई कैन मेक द मर्चेंटाइज आई विल, क्योंकि एक बार वो मतलब वेनिस से निकल गया, दिल लेगा तो दुनिया से ही निकल जाएगा, बट उसने इतना ही कहा कि अगर वो वेनिस से निकल गया फिर मैं जैसा चाहूँ वैसा धंधा कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। गो ट्यूबल एंड मीट मी एट द साइनागोग, साइनागोग कोई ज्यूइश प्लेस होती है वर्शिप करने की, एंड वहाँ पे तुम्हें ये मतलब कौन सा एक्ट है, एक्ट फोर में पहले सीन में ये तुम्हें बताया जाएगा कि जो शाइलॉक था वो साइनागोग गया था वहाँ पे कसम खाने की मैं बख्शूंगा नहीं इसको, ठीक है, मैं रिवेंज लेके रहूँगा, ऐसा कुछ एक्ट फोर में थोड़ा आएगा शायद, ठीक है, आगे वो चलो अगली टर्म में आएगा तुम्हारा, टर्म टू में, बट एनीवेज गो गो ट्यूबल एट योर साइनागोग ट्यूबल, तो तुम जाओ वहाँ पे एंड जाओ, ठीक है। सो यही था तुम्हारा यार, अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा इनकी बातचीत किस चीज़ किस बारे में हुई, जेसिका के बारे में, ठीक है, जेसिका की कोई खबर आई, और एंटोनियो के बारे में, इनकी सिर्फ एंटोनियो के बारे में हुई, फिर इनकी या फिर इसको और अच्छे से समझूंगा, सिर्फ इधर से बात हो रही थी जेसिका की, इन्होंने सवाल पूछा एंटोनियो का, ठीक है, यही हुआ ना, इधर दोनों तरफ से बातें हो रही थी, जेसिका एंटोनियो, जेसिका एंटोनियो। सो या
आई होप तुम्हें ये एक्ट थ्री सीन वन वेनेसा स्ट्रीट में जो हुआ वो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर कोई दोस्त दोस्त है तुम्हारा जिसको बहुत परेशानी है, जिसके पास टाइम नहीं है, क्योंकि तुम्हारी छुट्टी नहीं है ऑब्वियसली मर्चेंट मतलब इंग्लिश टू में, सो उससे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, शेयर कर देना। बाकी अगर और सीन्स वगैरह देखने और काफ़ी कुछ चाहिए, हिस्ट्री वगैरह भी है, तो सब्सक्राइब कर लेना यार। अगला पेपर तुम्हारा हिस्ट्री का ही है, वो भी आ रहा होगा। तो तब तक ऐसे चलते हैं, अगर ट्राई करोगे तो ही आएगा, अगर बैठे रहोगे तो सर के ऊपर से निकल जाएगा। नमस्ते, जय हिंद।